हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कवक या फंजाई जगत के बारे में, यानी कवक को ही हम फंजाई जगत फंजाई भी कहते हैं। कवक क्या होता है? रोटी पे जो फफूंद आ जाती है वो कवक होता है, मशरूम जो हम खाते हैं वो भी कवक होता है, जिससे बियर या दारू बनता है सैक्रोमाइसिटीज से वो भी कवक के द्वारा बनता है। ये जो हम सारा कवक के उपयोग है वो हम पिछली क्लास में पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में हम ये पढ़ेंगे तथा हमने कवकों के बारे में पढ़ा था कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन पदार्थों की बनी होती है। जैसे पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक में पतले पतले तंतु रूपी संरचनाएं पाई जाती है, वो हाइफा कहलाती है। हमने ये पढ़ा था कि कवक में ये धागेनुमा संरचना होती है वो हाइफा कहलाती है। कवक एक जाल रूपी संरचना बना देते हैं, उसे हम माइसीलियम कहते हैं। कवक क्या होते हैं? कवक परजीवी होते हैं, परभक्षी होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये प्रकाश से स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, यानी दूसरे पादपों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या परभक्षी होते हैं, दूसरे जीवों को भक्षण करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमने कवक के बारे में ये पढ़ा था। हमने कवकों के वर्गों के बारे में पढ़ा था कि कवक के कौन कौन से वर्ग है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस तथा ड्यूटेरोमाइसिटिस। कवकों को हमने चार वर्गों में डिवाइड किया था। तो हमने इसमें पढ़ा था कि कवक की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ी थी कि फंजाई की संरचना कैसी होती है। कवकों में बहुकेंद्रक पाए जाते हैं तथा ये इसमें बहुकेंद्रक पटहीन तथा अपटहीन दो प्रकार की संरचनाएं होती है। तो पटहीन सिर्फ फाइकोमाइसिटिस के सदस्य है। फाइकोमाइसिटिस के सदस्य ही ऐसे होते हैं जिसमें पट नहीं पाया जाता है तथा बहुत सारे केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा एस्कोमाइसिटिस हो गया, बेसिडोमाइसिटिस हो गया और ड्यूटेरोमाइसिटिस है। ये जो तीन वर्ग ऐसे हैं इनकी संरचनाओं में पट भी पाए जाते हैं और बहुत सारे केंद्रक भी पाए जाते हैं। तो ये बहुकेंद्रकीय संरचना होती है। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कवक के बारे में कि कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ये सब हमने पढ़ा था कि कवक विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनियो मिशर नामक वैज्ञानिक है वो कवक विज्ञान के जनक है। भारत में कवक विज्ञान के जनक कौन है, ईजे बटलर जो भारतीय कवक विज्ञान के जनक है। और हमने जो पिछली क्लासों में जब हम जीवाणु के बारे में मोनेरा जगत में हम पढ़ रहे थे तब हमने ये नहीं पढ़ा था कि जीवाणुओं के जनक कौन है। तो हमने इस पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जीवाणुओं के जनक कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज भी करी थी। तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कवकों में जनन किस किस प्रकार से होता है, कौन सा जनन कवकों में पाया जाता है। तो कवक में तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, यानी वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों प्रकार के जनन कवकों में पाए जाते हैं। तो जो ये वेजिटेटिव प्रकार का जनन है, कायिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसमें ये किस किस प्रकार से होता है कवकों में, हम ये सब इस क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे। तो कायिक जनन जो होता है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें नर या मादा दो गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती, एक ही गैमेट से नए कवक का निर्माण हो जाता है। तो हम इसकी विधियां पढ़ेंगे। जैसे पहली विधि है विखंडन। कोई भी कवक है तो कवक क्या होता है, कवक के पतले तंतु होते हैं वो विभिन्न भागों में बट जाते हैं, दो या तीन भागों में टूट जाते हैं और टूटकर हर एक जो पार्ट होता है वो नए कवक का निर्माण कर लेता है। इससे एक नया कवक बन गया, इससे एक नया कवक बन गया, इससे एक नया कवक बन गया। तो यानी वो अधिक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर विखंडित होकर नए कवक का निर्माण कर लेता है। तो ये विखंडन विधि द्वारा जनन हो गया। दूसरा है विभाजन विधि द्वारा। विभाजन भी इसी प्रकार से होता है, कोई भी कवक है उनकी कोशिकाओं में विभाजन हो गया या केंद्र का विभाजन हो गया, तो विभाजन से नया कवक का निर्माण हो जाता है। तो ये विभाजन विधि द्वारा जनन हो गया। ये सब कायिक जनन में होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। और ये एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीव है यीस्ट। यीस्ट का उपयोग क्या करते हैं, यीस्ट का उपयोग होता है डबल रोटी बनाने में भी किया जाता है। तो ये हम अगली क्लास में जब कवकों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। मुकुलन विधि द्वारा। मुकुलन क्या होता है, कवकों में मुकुलन द्वारा भी जनन होता है। जैसे कि ये एक कवक है, कवक में एक बर्ड रूपी संरचना बन गई इस प्रकार से। ये एक बर्ड, ये केंद्रक है,
ये बड़ बन गई, बड़ यानी मुकुल बन गया, केंद्र का विभाजन हो गया, यानी जो इसका केंद्र था वो बड़ में भी चला गया, और ये पार्ट फंजाई का अलग हो गया। और दो कवक कोशिकाएं बन गई, यानी कि ये एक फंजाई था, उसमें पहले बड का निर्माण आया, फिर केंद्र का डिवीजन हो गया, केंद्र दो भागों में टूट गए, और इस कटे हुए भाग से एक अलग कवक बन गया, और इस भाग से एक अलग कवक बन गया। तो यानी मुकुलन विधि द्वारा भी कवकों में जनन होता है। एक वेजिटेटिव प्रकार का प्रोटेक्शन, इसमें नर मादा की जरूरत नहीं है, एक ही कवक या नर या मादा मिलके ही अलग अलग ही नए कवक का निर्माण कर ले। तो ये हो गया मुकुल द्वारा जनन। आईओडीओ, आईडीओ में क्या होता है, कली का निर्माण हो जाता है, यानी इसी प्रकार से कोई फंजाई है, ये फंजाई है, फंजाई में कलिका का निर्माण हो गया और कलिका का डिवीजन हो गया, यानी कलिका यहाँ से विभाजित हो गई और नए कवक का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ओइडियो द्वारा भी कवकों में जनन होता है। और इसकी पांचवी विधि है क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा। क्लेमाइडो बीजाणु क्या होता है, क्लेमाइडो बीजाणु में है जैसे राइजोपस में क्या होता है, राइजोपस में भी अंकुरण हो जाता है, अंकुरण के बाद में एक नया प्रकार का कवक बन जाता है। तो ये हमारे हो गए वेजिटेटिव प्रकार की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रकार की विधियां, जनन की विधियां। तो कौन सी थी, विखंडन पहली, फिर विभाजन, फिर मुकुलन, फिर ओइडिया, तथा चौथी थी क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा। इन ये जनन के जो उदाहरण है कि क्लेमाइडो बीजाणु में राइजोपस द्वारा होता है, यीस्ट एक कोशिकीय होता है, यीस्ट में विभाजन और मुकुलन दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। ये हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधियां हो गई। अब हम सेकंड पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी नर या मादा दोनों गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है, नर जो होता है वो अकेला भी संतान उत्पन्न कर सकता है, या मादा जो होती है वो भी अकेली भी संतान उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें भी तीन प्रकार का जनन होता है, अचल बीजाणुओं द्वारा, चल बीजाणुओं द्वारा, या करना द्वारा। तो हम पहले पढ़ेंगे चल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणु क्या होता है, वही जीवाणु या वही बीजाणु या वही कवक चल सकते हैं जिसमें फ्लेजिला या पक्षमापिका, फ्लेजिला या सीलिया या फ्लेजिला पाई जाती है, कक्षमापिका या पक्षमापिकाएं पाई जाती है, वही जीवाणु या वही कवक या फंजाई चल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, चल बीजाणु धानी होती है जो एक फ्लास्क के आकार की होती है, नाशपति के आकार की होती है, ये चल बीजाणु होती है, ये नाशपति के आकार की होती है। तथा इसमें पक्षमाभिका निकली होती है, तो जिसमें एक पक्षमाभी होती है वो तो होता है सिनकाइट्रम, और जो द्विपक्षमाभी होता है वह होता है सेप्रोलेग्निया। तो ये जिसमें दो कशाभिकाएं, दो पक्षमाभिकाएं पाई जाती है वो तो हो गया सेप्रोलेग्निया, और जिसमें एक पाई जाती है वो सिनकाइट्रियम। इसमें क्या होता है, चल बीजाणु होता है, चल बीजाणु धानी जैसी संरचना होती है वो फ्लास्क के आकार की होती है, उसके गमन द्वारा वह नए बीजाणुओं को जनन, नए बीजाणुओं को उत्पन्न कर देता है, यानी जो फ्लेजिला होती है उसके द्वारा ये मादा चल बीजाणु धानी में प्रवेश कर लेता है तथा अलग होकर कवक कोशिका का निर्माण कर लेता है। अचल बीजाणु द्वारा इसमें फ्लेजिला नहीं पाई जाती है, अचल बीजाणु इसीलिए क्योंकि ये गमन नहीं कर सकता है। तो बीजाणु ही विखंडन द्वारा या प्रकृति में कोई भी कारणों के द्वारा या टूट कर अलग होकर ये अपना निर्माण कर लेते हैं। तो ये कौन है, राइजोपस और म्यूकर होते हैं, ये बहुत सारी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। करना द्वारा, कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया भी ऐसी होती है, अग्रभाग में वृद्धि करके, कवकों के अग्रभाग में वृद्धि कर लेते हैं और वृद्धि करके अलग हो जाते हैं और नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें भी करना द्वारा, करना को हम कोनिडिया भी कहते हैं, इसमें भी इसी प्रकार का जनन होता है। और ये कौन कौन किस किस कवकों में होता है, पाइथियम और पेनिसिलियम में, पाइथियम और पेनिसिलियम में करना या कोनिडिया द्वारा जनन होता है। तो पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक दवाई है तथा यह हमें किससे प्राप्त होती है, ये कवक से, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक पादप पाया जाता है, उसी के द्वारा पेनिसिलियम एक दवाई बनाई गई है। और ये प्रथम प्रतिजैविक दवाई, यानी प्रथम एंटीबायोटिक दवाई है। अब होता है लैंगिक जनन, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे होता है? कोशिका द्रव्य के संलयन द्वारा, केंद्रक द्रव्य के संलयन द्वारा या अर्धसूत्रण द्वारा। यानी कोशिका द्रव्य संलयन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य संलयन में क्या होता है? कोशिका द्रव्य संलयन कोशिकाओं का आपस में संयुग्मन होना, कोशिकाओं का आपस में मिलना। ये कोई एक कोशिका है, ये कोई दूसरी कोशिका है, आपस में मिल गई और इसमें नर और मादा की दोनों की आवश्यकता होती है, तभी तो ये लैंगिक जनन है। इनका संयुग्मन हो गया और युग्मनज बन गया, 2n बन गया, जाइगोट बन गया। यानी जो नर है वो n है, मादा है वो n है, मिलकर 2n बन गया, जाइगोट बन गया। तो ये कोशिकाओं के संलयन द्वारा हमें नया कवक प्राप्त हो गया। एक होता है केंद्रक संलयन द्वारा, यानी जो केंद्रक होता है, केंद्रक आपस में मिल जाता है। जैसे इसका केंद्रक है, ये एक अलग कोशिका है, ये एक अलग कोशिका है, आपस में मिल गए, केंद्रक का संलयन हो गया, अलग होकर अलग अलग दो अलग अलग प्रकार के कवकों को जन्म कर देती है, निर्माण कर देती है, जाइगोट का निर्माण कर देती है। तो केंद्रक संलयन द्वारा, अर्धसूत्रण द्वारा, यानी कि मादा एन होता है, नर एन, अर्धसूत्रण हो गया, 2n का निर्माण हो गया, दोनों मिल गए और जाइगोट बन गया। ये होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। नर और मादा युग्मक के आपस में संलयन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, यानी नए कवक का निर्माण होता है। तो ये थी कवक की जनन की विधियां। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कवक का उपयोग क्या होता है तथा जो हमने चार वर्गों में बांटा था, एसिडोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस तथा फाइकोमाइसिटिस के ग्रुप के बारे में हम अध्ययन करेंगे।